एक ऐसा एहसास है जो आपको आपकी सुरक्षा का आश्वासन देता है और सीमांत के प्रहरी की आंखें बंद कर दुश्मन पर नजर रखता है, जो हर वक्त आम नागरिक की सुरक्षा में तैनात है। स्पर्श सुरक्षा सरहद से घर तक की कसौटी पर खरा उतरा है। अपने 20 वर्षों के अंतराल में इसने कई चुनौतियों का सामना करते हुए आकाश की ऊंचाइयों को छुआ है। इसने देश की आर्थिक और सामाजिक उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और न जाने कितने अपराधों को रोकने में सफल रहा है। दुश्मन के इरादों को मैं नाकाम करता रहूंगा, मेरा देश सुरक्षित रहे हर वक्त पहरा देता रहूंगा। सुरक्षित भारत, सशक्त भारत। सन 2002 में हमने स्पर्श सिक्योरिटी को इस विजन के साथ स्टार्ट किया कि भारत में एक ऐसी कंपनी हो जो हर प्रकार के सिक्योरिटी सिस्टम्स को हमने हिंदुस्तान में डेवलप करे, मैन्युफैक्चर करे और विश्व भर में इसका डिस्ट्रीब्यूशन करे। इसी मिशन को करते हुए सन 2008 में हमने हिंदुस्तान का पहला CCTV कैमरा बनाया सोनी के टेक्निकल टाइप के साथ में, और इसी को आगे बढ़ाते हुए लगातार इन 20 वर्षों में हमने हिंदुस्तान का पहला एनालॉग कैमरा, पहला IP कैमरा, पहला रिकॉर्डर, पहला थर्मल कैमरा, पहला फीवर डिटेक्शन कैमरा और पहला एक्सप्लोजन प्रूफ कैमरा हिंदुस्तान के थ्रू दुनिया में प्रदान किया। स्पर्श वर्ष 2002 से भारत की पहली रिमोट ऑपरेटेड वीडियो स्विचर बनाने वाली इकाई के रूप में उभर कर आया। 2004 में इसने मैट्रिक्स स्विचर और कैमरा बनाने की शुरुआत की। पहाड़ी राज्य में विकास की संभावनाओं को देखते हुए तथा विकास नीतियों का लाभ लेने के लिए 2007 में इसका पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट SEZ हरिद्वार में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके पश्चात इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक नई ऊंचाइयों को छूता चला गया। इसने कई प्रकार के नए कीर्तिमान स्थापित किए, जिसमें मुख्य रूप से शामिल है पहले सोनी बेस्ड CCTV कैमरा का निर्माण, पहले स्वदेशी IP कैमरा, IT बेस्ड DVR का निर्माण, भारत के पहले हिंदी बेस्ड DVR का निर्माण, पहले थर्मल कैमरा का निर्माण और कोविड से लड़ने के लिए कॉन्टैक्टलेस फीवर डिटेक्शन कैमरा का निर्माण। इस प्रकार ये नए कीर्तिमान बनाता चला गया। जो ये मेक इन इंडिया से हमारी ग्रोथ में एक बहुत बड़ा जो हाथ आया कि हमने पिछले 2 से 2.5 वर्षों में जो कई सारे ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स चाइना से प्रिक्योर कर रहे थे उनको हम भारत में शिफ्ट करने पे मजबूर किया हमने, और आज की डेट में हम 9 नेशनल और मल्टीनेशनल ब्रांड्स के लिए भी CCTV कैमरास बना रहे हैं हिंदुस्तान में, और आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द इसी साल में 3 और ब्रांड्स के साथ भी हमारा ऑलमोस्ट MOU फाइनलाइज हो गया है और हम उनके लिए भी ये कैमरास बनाने लगेंगे। जो ये नया यूनिट हम बना रहे हैं उसमें हम अपनी कैपेसिटी 10 times बढ़ाने वाले हैं। अभी करंटली हम 1 लाख कैमरा पर मंथ बनाते हैं और आने वाले दिनों में ये जब ये फैक्ट्री पूरी तरीके से चालू हो जाएगी तो वहाँ पे 10 लाख कैमरा प्रति माह बनाने की फैसिलिटी होगी। हमारा एक बहुत बड़ा दृढ़ निश्चय किया है कि हम इस फैक्ट्री में कम से कम 2/3 महिलाओं को रखेंगे। ये देश की आर्थिक प्रगति में हर समय अग्रणीय रहा है। कॉर्पोरेट दूरदर्शिता के तहत स्पर्श विश्व स्तर पर सम्मानित ब्रांड के रूप में उभर रहा है और सुरक्षित और हरित विश्व के लिए अत्याधुनिक सुरक्षा समाधान प्रदान कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इसे कई बार इसके योगदान के लिए सम्मानित किया जा चुका है। इनमें मुख्य रूप से शामिल है MSME मिनिस्ट्री का प्रथम पुरस्कार, जो कि सबसे बेहतरीन क्वालिटी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया। इनोवेटर ऑफ द ईयर 2016 IISM द्वारा मोस्ट एडमायर्ड ब्रांड 2016, लीडर ऑफ द टुमारो 2012 एंड 2013 के साथ साथ इन्हें इमर्जिंग सिक्योरिटी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ईयर 2015 से IISM द्वारा भी सम्मानित किया गया है। इसके संस्थापक और प्रबंध निदेशक श्री संजीव सहगल की दूरदर्शिता तथा गतिशील नेतृत्व की वजह से ये भारत की सबसे प्रतिष्ठित इकाई बन चुकी है, जिसकी गूंज विदेशों में भी सुनाई देती है। श्री संजीव सहगल इलेक्ट्रॉनिक्स में
स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं और 30 वर्षों से भी ज्यादा का अनुभव इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी मैन्युफैक्चरिंग में हासिल कर चुके हैं। वो भारत के सिक्योरिटी प्रमोशन ग्रुप के संस्थापक और प्रबंध निदेशक के साथ साथ इंडियन स्टैंडर्ड्स एट BIS की सर्विलियंस कमेटी के कन्वीनर भी हैं। उनके ज्ञान और अनुभव के कारण उन्हें ICTE, MIT, नीति आयोग तथा DPIIT फॉर मेक इन इंडिया की कमेटी का मेंबर बनाया गया है और वो NOS कमेटी ऑन सिक्योरिटी सर्विलेंस इन ESSCI के अध्यक्ष भी है। मेक इन इंडिया नीति के पूरा होने पर स्पर्श को उनकी कहानी को 3 सफलता की कहानियों में से एक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए चुना गया था। इस उद्यम में 300 से भी ज्यादा लोग जुड़े हैं, जो हर महीने 1,00,000 से भी अधिक CCTV कैमरों का निर्माण कर रहे हैं। इस संस्था में तकनीकी रूप से योग्य और प्रबंध विशेषज्ञों का नेतृत्व काम कर रहा है। इस उद्यम में अनेक सदस्य 20 वर्षों से भी अधिक समय से दिन रात लगन के साथ काम कर रहे हैं। मेरा नाम विपिन कुमार है। पिछले 20 वर्षों से समृद्धि ऑटोमेशन में मैं वर्क कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। मेरे को यहाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। पिछले कोविड के टाइम पे भी कंपनी ने फुल सपोर्ट किया, अपनी फैमिली की तरह रखा। मेरा नाम आमिर खान है। मैं पिछले 12 साल से यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ और यहाँ का जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छा है। हम सभी के लिए जो हम लोग काम करते हैं, सब मिलजुल के काम करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। मेरा नाम राहुल राजपूत है और मैं समृद्धि ऑटोमेशन हरिद्वार की यूनिट में काम करता हूँ। मैं यहाँ पर काम करते हुए मुझे 12 से 13 साल हो गए हैं और इस यूनिट के साथ में काम करने का एक सुंदर और बढ़िया अनुभव रहा हमारा। स्पर्श अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट पर हर साल टर्नओवर का 7% से भी ज्यादा पैसा खर्च करता है। मैं किरण शर्मा, यहाँ स्पर्श R&D की मैनेजर हूँ। हम लोग इस वक्त इंडिया की लीडिंग R&D लैब में खड़े हैं जो सिक्योरिटी कैमराज बनाती है। ये हमारे वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट्स हैं जिनसे हम कैमरा की ट्यूनिंग चेक करते हैं। जैसे ये हमारा SNR और कलर टेस्टिंग के लिए इक्विपमेंट है। आम मालविका पाठक, आई एम हेडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर एट स्पर्श। हमारे पास वन ऑफ द लीडिंग R&D सेंटर है जहां हम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट डिज़ाइन इंडिजिनियसली डेवलप कर रहे हैं एंड हमारी हमेशा से कोशिश रहती है कि हम वन स्टेप अहेड रहे इंडस्ट्री से। उसी का ही रिजल्ट है कि हमारे हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हम सबसे पहले इंडिया में मैन्युफैक्चर किए हैं। ये कि दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी को तैयार कर अपने ही देश की नहीं बल्कि विदेशों की जरूरतों को भी पूरा किया जा सके, जिससे आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा और भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगा। हिंदुस्तान के बाद अब हमारा टारगेट है कि इन सारे प्रोडक्ट्स को जो हिंदुस्तान में हमने डेवलप किए हैं पूरे विश्व में इनको फैलाया जाए और आत्मनिर्भर भारत के इस मैसेज को फैलाया जाए। स्पर्श राष्ट्र निर्माण के सपने को पूर्ण रूप से साकार करने तथा भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस कार्य को पूरा करने के लिए इस संगठन ने 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को अंजाम दिया है, जिसमें से 2 हरिद्वार और 1 नोएडा में स्थापित की गई है। इसके साथ साथ ये उत्तराखंड में एक नई इकाई स्थापित करने जा रहा है, जिससे 25,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा तथा उत्तराखंड के आर्थिक विकास में तेजी आएगी। 8.5 एकड़ में बनी इस यूनिट में प्रतिमाह 10,00,000 कैमरों का उत्पादन किया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम बलविंदर कुमार है। मुझे स्पर्श परिवार का हिस्सा बने हुए करीब 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं। हमने सन 2007 में फैक्ट्री हरिद्वार में स्टार्ट की थी और 2008 में हमने पहला कैमरा PCV लॉन्च किया था सोनी के साथ मिलकर। ये पहला कैमरा PCV चाइना से इंपोर्ट होता था और अभी ये हम इसको यहीं इंडिया में हमने बनाना स्टार्ट किया सन 2008 से। स्पर्श का अभियान देश की सुरक्षा के साथ साथ जन जन की सुरक्षा भी है। इस कार्य को पूरा करने के लिए ये देश में सबसे नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कई प्रकार के प्रोडक्ट बना रहा है, जिसमें मुख्य रूप से शामिल है IP कैमरा, थर्मल कैमरा, NVR, DVR,
NVR और VMS, XVRs, HD एनालॉग कैमरा, मोबाइल DVR, मोबाइल NVR, बॉडी वॉर्न कैमरा, वाईफाई कैमरा, 4G कैमरा और अनेक प्रकार के CCTV एक्सेसरीज। इसके साथ साथ इन्होंने कई प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेस रिकॉग्निशन, स्पीड डिटेक्शन, इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन का निर्माण भी किया है, जो हमारी सशस्त्र सेनाओं, अर्धसैनिक बलों, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, रेलवेज, बैंक्स, कॉरपोरेट सेक्टर के साथ साथ सिक्योरिटी एजेंसीज को सिक्योरिटी एनालिसिस में मदद करता है और देश तथा जन जन की सुरक्षा में सहायता करता है। मेरा नाम निशांत शर्मा है, मैं स्पर्श के साथ लास्ट 6 ईयर से काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर एज ए सीनियर मैनेजर काम करता हूँ इन प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के अंदर। जो CCTV कैमरा है आपका, प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर के मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, जैसे कि डिफेंस, पैरामिलिट्री, पुलिस स्टेशंस, इवन ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के अंदर भी। हमारा प्रोडक्ट जन जन की सुरक्षा के साथ साथ सीमाओं की सुरक्षा में भी तैनात है। आने वाले समय में जल्द ही स्पर्श 5G आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड कैमरा टेक्नोलॉजी को रूपरेखा देने जा रहा है, जो भारत की सबसे पहली टेक्नोलॉजी होगी। स्पर्श केवल एक इकाई ही नहीं बल्कि एक परिवार के रूप में काम कर रहा है, जिसका हर सदस्य उत्साह से भरा है और नई उमंग और जोश के साथ राष्ट्र निर्माण में लगा है। इसके सदस्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपनों को साकार करेंगे और भारत के परचम को दुनिया के कोने कोने में फहराएंगे और इस महान राष्ट्र को एक दुनिया की आर्थिक महाशक्ति के रूप में तैयार करेंगे।